जिला चंबा में कोरोना वैक्सीनेशन का तीसरा चरण फिलहाल आरंभ नहीं होगा। इस बारे जानकारी देते हुए जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जालम भारद्वाज ने बताया कि इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और अब फिलहाल लोग सिर्फ तीसरे चरण के लिए रजिस्ट्रेशन ही करेंगे और मई माह के अंत तक इस टीकाकरण अभियान को शुरू किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने 18 से 45 वर्ष के सभी लोगों से अपील करते हुए कहा कि वह 1 मई से वैक्सीनेशन स्थलों में न पहुंचे क्योंकि अभी उन्हें वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि तीसरे चरण के लिए सिर्फ अभी रजिस्ट्रेशन आरंभ हुई है। मैं प्रेस के माध्यम से समस्त चंबा निवासियों को ये अवगत करवाना चाहता हूँ कि जो वैक्सीनेशन का जो थर्ड फेज है हमारा वो 1 मई से स्टार्ट हो रहा है और जिसका गवर्नमेंट ने ये आदेश दिए थे कि उसका रजिस्ट्रेशन जो 28 से स्टार्ट हो चुका था। 28 से जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ उस दिन जो 18 से लेकर 44 तक जो हमारी यंग जनरेशन है उनको ये आदेश दिए थे कि वो अपना सेल्फ रजिस्ट्रेशन करें और जहाँ भी हमारा 1 मई से अगर स्टार्ट हो भी जाता है इन केस कहीं तो वो उनको ऑन साइट रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, वो खुद अपने आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन करके साइट भी खुद सेलेक्ट करेंगे, डेट भी खुद सेलेक्ट करेंगे। लेकिन कल जो हमारी VC हुई स्टेट अथॉरिटीज ने फर्दर ये डायरेक्शन दी कि अभी तक वैक्सीन जो 18-44 जो वैक्सीन आनी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों का 50-50% हुआ है तो अभी तक वो आई नहीं है, उसका हो सकता है कुछ टाइम भी लगे। तो हमें कल ये फर्दर उन्होंने डायरेक्शन दी कि आप प्रेस के माध्यम से सबको ये अवगत करवाएं कि अननेसेसरी घर से बाहर ना निकलें, कि ये ना सोचें कि 1 तारीख को हमारी वैक्सीनेशन होगी और उस सेशन साइट पे भीड़ लगा दें। आपने अभी भी कल 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि जो हमारे पीछे काफ़ी पेंडेंसी थी, जो 45 प्लस जो लोग थे उनको हम वैक्सीनेशन सेकेंड फेज में कर रहे थे लेकिन कुछ लोगों में रेजिस्टेंस थी, पता नहीं किस कारण से। फिर हमने फर्दर माइकिंग भी कराई, उनको अवगत कराया, इवन हमारे जो बड़े VIP लोग थे उन्होंने भी अपना वैक्सीनेशन कराया, उनके माध्यम से भी समस्त जनता को मैसेज गया। तो अब मैं 3-4 दिनों से पिछले 4-5 दिनों से ये देख रहा हूँ कि जो 45 प्लस जो हमारी जो पॉपुलेशन रहती थी वैक्सीनेशन के लिए वो काफ़ी बढ़ चढ़ के हमारे वैक्सीनेशन सेंटर पर आ रही है और काफ़ी भीड़ लग रही है। तो मैं उसी चीज़ को मैं कल भी गया था, 2-3 जो हमारे वैक्सीनेशन सेंटर मैंने खुद चेक किए थे और फिर मैंने पुलिस की मदद भी ली, वहाँ पे पुलिस जो हमारे SP साहब थे उनसे भी मैंने मदद ली, उन्होंने अपने जो पुलिस गार्ड्स थे वो वहाँ पे भेजे, आज भी उनके यहाँ पे आए हुए हैं। फिर भी जो मैं ये सोच रहा था कि अगर फर्स्ट तारीख से अगर इनकेस स्टार्ट हो जाती है वैक्सीनेशन तो फिर क्राउड को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन कल शाम को जो VC उसमें उन्होंने क्लियर कर दिया कि अभी जो 18 से 44 तक जो वैक्सीन आएगी उसका हो सकता है अभी टाइम लगेगा। सर कितना का टाइम? 2-3 हफ्ते भी बताया उन्होंने, हो सकता है 3-4 हफ्ते भी लग सके। तो जैसे ही कहते हैं अगर ये आ जाएगी तो हम आपको इंटीमेट कर देंगे, लेकिन आप प्रेस के माध्यम से पब्लिक में ये मैसेज चला दे दें और ये कल मेरे ख्याल में DC साहब ने भी दे दिया है कि लोगों को ये बता दें कि जो 18 से 44 तक का जो हमारी पॉपुलेशन है वो 1 तारीख को अननेसेसरी अपने घरों से बाहर ना निकलें, वैक्सीनेशन सेंटर पर ना जाएं, लेकिन अपना रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन जो आरोग्य सेतु है उस पर ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन कर दें या फिर कोविन ऐप है उस पर अपना रजिस्ट्रेशन कर दें और जो उसमें एक कॉलम आता है डेट प्लस CVC सेशन साइट वो आपको नहीं आएगी अभी तक, जब तक कि वहाँ पे वैक्सीन शो नहीं होगी तब तक वो डेट और सेशन साइट नहीं शो होगी, लेकिन रजिस्ट्रेशन जो आपका हो जाएगा। तो जब वो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास ये डाटा आ जाएगा कि हमारी 18-44 कितनी पॉपुलेशन है और कितनी हमारी डिमांड है, तो कुछ ही दिनों में हमें पता चल जाएगा। वैसे भी ऑलरेडी हमारे पास ये डाटा है पर एग्जैक्ट फिगर जो है जब वो रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वो भी उसमें हो जाएगा। इसके साथ ही जो हमारा सेकंड फेज का जो वैक्सीनेशन चला हुआ था उसमें भी अभी जो हमारे थे वैसे जो हमें डाटा दिया ना, मतलब जो हमारा गवर्नमेंट ने जो 27% हमारा टोटल पॉपुलेशन का निकाल के दिया था हमें टारगेट, वो था हमारा 1,13,000 के करीब और उसमें से कल तक हमने 1,07,506 जो है वो वैक्सीनेशन कर दी गई है और अब जो बचते हैं उस टारगेट से मुताबिक वो हमारा कुछ 6,000 बचता है, लेकिन हमने जो खुद टारगेट सेट किया था वो किया था हमने 1,50,000 के करीब, 56,000 के करीब अगर उसको मान के चलते हैं तो अभी हमारी पॉपुलेशन काफ़ी बचती है। और मैं फिर से आपके माध्यम से जो हमारा जो सेकेंड फेज का चला हुआ है मैं समस्त जनता को
ये अपील करता हूं कि काइंडली जो बचे हुए हमारे 45 से अबव जितने भी बचे हुए हैं वो वैक्सीनेशन करवाएं, क्योंकि कोविड का केसेस आपने देखा होगा, जो एक टाइम था जिस वक्त हम हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक कोविड केस बचा था पॉजिटिव, और हम सोच रहे थे कि शायद ये भी रिकवर कर जाएगा और जीरो केसेस डिस्ट्रिक्ट जो है चंबा वो कोविड फ्री हो जाएगा। लेकिन आप सबको सर्वविदित है, आप सबके सामने देखा होगा कि जिस तरह से ये कोविड का अपसर्ज हुआ, मतलब केसेस जो राइज किए वो चार कहां एक केस था, और आजकल हमारे पास आज का भी मैं अपडेट आपको बता दूंगा, केसेस जो है डे बाई डे बढ़ रहे हैं और हर रोज कम से कम 100 से अबव ही केसेस जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट में निकल रहे हैं पॉजिटिव। तो मैं फिर से जनता से अपील करता हूं कि भले ही आपने वैक्सीनेशन लगवा भी ली हो, दोनों डोजेज आपके लग भी गए हों, लेकिन उसके बावजूद भी आपने जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, हैंड सैनिटाइजेशन है, ये इसको जरूर आपने फॉलो करना है, और अननेसेसरी घर से बाहर भी नहीं निकलना है, इनकेस अगर जाना भी पड़ता है तो इन जो तीनों चीजें मैंने बताई उसका प्रॉपर ख्याल रखें, कहीं अगर किसी सरफेस पे टच करते हैं तो अपने हैंड को भी सैनिटाइजेशन करते रहें। तो ये मेरी फिर से अपील है। दूसरा, एक बार फिर से जो 18 to 44 जो पॉपुलेशन है हमारी, उनसे भी मैं अपील करूंगा कि वो 1 तारीख को अननेसेसरी किसी भी कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पे ना जाएं, क्योंकि अभी तक ये वैक्सीन नहीं आई है। जो वैक्सीन हमारे पास आई है वो है 45 साल से ऊपर, हो सकता है 45 साल से ऊपर है वो अलग वैक्सीन है और 18 साल से ऊपर जो वो अलग वैक्सीन है। तो हमें डायरेक्शन मिली है कि वो जो वैक्सीन है वो 18 साल से ऊपर वालों को ना लगाएं उस वैक्सीन को। तो इसीलिए आपके माध्यम से मैं फिर अपील करूंगा कि 18 साल से ऊपर जो पॉपुलेशन है, जो हमारे यंग जनरेशन है, वो ना आए। हिमाचल प्रदेश और चंबा जिला से जुड़ी विभिन्न जानकारियों को जानने के लिए देखते रहिए चंबा हलचल का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज और वीडियो को जरूर लाइक करें। धन्यवाद। देखते रहिए चंबा हलचल।